असा महला पंजवा कर कृपा हर प्रगटी आया मेला सतगुर धन पूरा पाया ऐसा हर धन संचिय भाई पा न जाले जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतो न जाई रहाओ तोट न आवे न खुट न जाए खाए खर्च मन रहा अघाए सो सच शाह जिस घर हर तन संचाना इस तन ते सब जग वरसाना तिन हर तन पाया जिस पुरब लिखे का लेना जन नानक अंतवार नाम घेना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की बाणी ज्यों ज्यों पढ़ते हाँ ज्यों ज्यों विचार करते हाँ साड़ी अगवाई करती है साड़े अज्ञानता दे अनेरे नू दूर करती सानू मार्गदर्शन करती। ये ठीक है कि असी दुनियादार लोग दुनिया विच आके देखा देखी दुनिया दे लोका वांगू चलन दा यतन करते पर गुरु पातशाह कहने प्यारियो कितनी मिठी प्रेरणा है भाई शब्द कह के सानू संबोधन करते ऐसा हर तन संची है भाई हे भाई हे मेरे वीर ऐसा हर तन एहो जिहा हरी दा नाम रूपी तन संचना करिए जमा करिए तथा तू भी जमा करिया कर कैसा हर तन। देखो दुनियावी तन भी चाहिदा है पर दुनियावी तन नू कई खतरे भी हैं हर वेले हर तरह बंदा डरिया रहिंदा कदे वेखो बहुते तन वालियां नू सरकार तो लुकांदे फिरदे ने चोरां तो लुकांदे फिरदे ने डाकुआ तो डरते फिरते पर गुरु पातशाह ने ऐसा हर धन संची है भाई हे वीर एहो जिहा धन संच न करो पा न जाले जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतो न जाई। कैसी गरंटी है ये परमात्मा दे नाम रूपी धन ना अग साड़ सकेगी ना पानी डोब सकेगा और ना ये तन कदे तुहाडा साथ छड़ के कदे जाएगा। ये तन ऐसा है जिस बारे तन गुरु अमरदास जी ने फरमाया ये तन है खुट ना न खुटे ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सद बल जाई गुर कृपा ते हर मन वसाई। गुरु रामदास जी भी कहते ने प्यारे हो हर धन संची है भाई जे हलत पलत हर होए सखाई। महाराज दुनियावी धन ते दुकान ते बैठ के इकट्ठा करीदा है नौकरी करके इकट्ठा करीदा जिहड़ा धन तुसीं कहिंदे हो कित्थे कमाई दा कहिंदे सत संगती संग हर तन खटिया होर थै होर तो पाए हर धन कितै न पाई। ये धन सत संगत विच बह के खटिया जांदा इहदा होर कोई टिकाणा नहीं हैगा ये होर किसी जगह ते नहीं मिलता। पर ये धन प्राप्त कौन करते हैं जिन्हां ते गुरु की कृपा हो जाए। ये धन ऐसा है हर धन को उचका नेड़ न आवई जम जा गाती डंड न लगाई। फिर कंपैरिजन
उस धन ते इस धन का मुकाबला करके दस्सें। आख्या वो धन हर वेले खतरिया नाल भरपूर है, पर हरि दा नाम रूपी धन जो है हर धन को उचक्का नेड़ नहीं आवई। जम जा गाती डंड ना लगाई, साकती पाप करके बिखिया धन संचया। तिना एक वेख नाल न जाई, ताते प्यारियो गुरु पातशाह जी कैसी प्रेरणा कर रहे ने, ऐसा हर धन संची है भाई। पा न जल है जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई। देखो विचार दी गल है, उस तानू भी सामने रखो, इस तानू भी सामने रखो, इन्हां दोहां दा मुकाबला करके देखिए। इस तानू अग नहीं साड़ सकते। प्रहलाद वर्गियां कोले तन सी, उन्हां नू तते थंब भी नहीं साड़ सके। जिन्हां ने इस तन दा पल्ला फड़िया, उन्हां नू कदे भी इस तन ने धोखा नहीं दिता। पार न जालै जल नहीं डूबै, संग छोड़ कर कतो न जाई राहो। ये तन कदों ते किवें मिलदा, कर किरपा हर प्रगटी आया। मिल सतगुर तन पूरा पाया, आख्या ये तन पूरे सतगुरु की संगत विच मिल के मिलता। क्योंकि सतगुरु इस तन दा दाता है, सतगुरु कोल इस तन दे भंडार परे पए हैं। इसे भी कहा कि गुर पूरा सतगुरु सच्चा शाह है। जेड़ा गुरु की संगत करता है, जेड़ा गुरु के दसे अनुसार अपने जीवन नूं ढाल लैंदा है, उहदे ते कृपा हो जाती, जिहदे ते कृपा हो जाती है, कर कृपा हर प्रगटी आया। उहदे हिरदे घर विच ही ये हरी प्रगट हो जाती। मिल सतगुर तन पूरा पाया, मिलदे लले नूं सिहारी है। सतगुरु नूं मिल के, सतगुरु नाल सांझ पा के, सतगुरु दे दसे राह ते चल के इस पूरे धन नूं प्राप्त करीदा। जिस दी प्राप्ति करन तो बाद सब भुखां मिट जांदियां। गुरु पातशाह ते कहिंदे ने, प्यारिओ जे तुसीं संतुष्ट रहना चाहुंदे हो ता अपने मन नूं समझाओ। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना। पर एक काम रोज़ करना पवेगा। महाराज होर भी इच्छा पूरियां होंदियां, कहिंदे हाँ इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर, जाकै वस है काम धेना। सो ऐसा हर त्याईऐ मेरे जीअड़े, तां सर्व सुख पावै मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याईऐ हर पुरख निरंजना। फिर गरंटी दित्ती, आख्या जां हर सिमरन भया, तां उपाध गत कीनी वडभागी हर जपना। जन नानक को गुर ए मत दीनी, जप हर भव जल तरना। जेड़े गुरु की संगत करते ने, जेड़े गुरु के दसे अनुसार कर इशनान, सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे भरे संयोगा। प्रभ बाणी शब्द सुपाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित भाई। गुरपूरे तू राखिया रहाओ, साचा साहिब अमित वडाई। भगत वछल दयाला, संतां की पैज रखदा आया। आद बिरद प्रतपाला,
हर अमृत नाम भोजन नित भुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा ताप सब नाटा गुण गोविंद नित गावो कर कृपा हर प्रगति आया मिल सतगुर तन पूरा पाया ऐसा हर धन संचिय भाई पहा न जल जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतो न जाई राहो तोट ना आवे निखुट न जाए आख्या ये ऐसा नाम तन है जिदे विच कदे तोट आउंदी नहीं कदे कमी आउंदी नहीं निखुट न जाए ये कदे खुटदा नहीं भाव कदे कटदा नहीं ये ता दिनों दिन वधदा है दुनियावी तानू तुसी खर्चो कटेगा एक तो दो हिस्सों विच वंडो कटेगा पर ये तन तुसी जितना वंडोगे उतना वधेगा तोट न आवे न खुट न जाए खाए खर्च मन रहा अघाए ज्यों ज्यों इस नाम रूपी तानू खावांगे ज्यों ज्यों खर्चांगे ज्यों ज्यों वंडांगे मन रहा अघाए मन दे अंदर संतुष्टि आ जाए इसलिए पातशाह ने नाम रूपी तन नाल जुड़न लई मैनू तुहानू सब नू प्रेरणा कीती आख्या सो सच शाह जिस घर हर धन संचाणा ओ है असल विच सच्चा शाह जिस घर जिस दे हिरदे विच हरी दा नाम रूपी तन संचाणा जमा कीता ये किवें जमा हुंदा जितना वधेरे बाणी नाल प्यार करो जितना वधेरे बाणी दी विचार करो जितना वधेरे बाणी दी सिख्या अनुसार चलो ये तन कठा होना शुरू हो जांदा सो सच शाह जिस घर हर तन संचाणा इस तन ते सब जग वरसाणा ये परमात्मा दा नाम रूपी तन ए हो जांदा कि सारा जगत इस तो बरसाया जाता इस नूं जितना वंडो उतना ही वधदा है जितना बीजो उतना ही प्रफुल्लित हुंदा जिन्हां ने यह तन वंडिया जिन्हां ने यह तन वरताया उन्हां नूं कदे कमी नहीं आई वह आप ते रजे उन्हां ने दूजियां नूं भी रजा दिता इसलिए गुरबाणी सानूं बार बार प्रेरदी है आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवे हिरदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारिंग पाणी कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी पर नाल ही आख्या ये गल सदा चेते रखनी कई लोग बाणी दी रीस परी से कच्ची बाणी बोलते हैं कच्चियां धारना लाते हैं तो कहणगे देखो जी इसनू कच्ची बाणी कहते नहीं भाई ये धन गुरु अमरदास जी का फैसला है असी नहीं किसी नू कहते महाराज गुरु अमरदास जी का एक पक्का फैसला कि सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु वाजों होर कच्ची बाणी कहिंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करै रसना कहा कछू न जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पै रवाणी कह नानक सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी याद रखो बाणी नूं कितनी बारी पढ़ो बाणी विचों होर रस आएगा होर रस आएगा बाणी कदे पुरानी नहीं हुंदी बाणी तो कदे मन उकताउंदा नहीं दुनिया दियां किस्से कहानियां एक बारी पढ़ लो दो बारी पढ़ लो
तीजी वारी पढ़न नूं जी नहीं करदा क्योंकि उहदे च रस है नहीं, इहदे च रस है। इस लई मेरे पातशाह कहिंदे ने सो सच शाह जिस घर हर तन संजाना इस तन ते सब जग वरसाना। इस तन दे नाल सारे जगत दे कृपा हुंदी है। ये तन आप वरत के दूजियां नूं वरताया जा सकता और जगत सारा इस तो लाभ उठांदा। ये तन कदे मुकदा नहीं, ये तन कदे खुटता नहीं। तिन हर तन पाया जिस पुरब लिखे का लैणा। ये तन किन्हां नूं प्राप्त हुंदा? तिन दे नन्ने नूं सियारी तिन्हां ने जिस पुरब लिखे का लैणा, जिन्हां दे मत्थे उत्ते पुरबले जन्म दे कीते हुए चंगे कर्मां दा लिखिया हुंदा। ओ गुरु दी संगत करदे ने ते गुरु दी संगत विच रह के इस तन नूं प्राप्त करदे। तिन हर तन पाया जिस पुरब लिखे का लैणा, जन नानक अंतवार नाम गहना। नानक दास जी फरमाते हैं अंतवार अंत दे तत्ते नूं सियारी अखीरले समय दा ये नाम गहना है। जिन्हां दे कोल नाम है उन्हां नूं ना इत्थे तोट आउंदी है ना उन्हां नूं अगे कोई तोट आउंदी। इसे लिए असीं रोज़ पढ़ते हाँ जिन्नी नाम त्याहिया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। पर यह गल्लां दा सौदा नहीं, ये तो भाई सतसंगत विच आके कमाई करन दा सौदा है। जेड़े गुरु की शरण विच आउण तो पहला तीर्थां ते भी गए, होर भी बड़े बड़े कर्मकांड कीते, पर वो धन नहीं मिले। ये धन गुरु अमरदास जी नूं मिलिया ते किवें मिलिया? आनंद भया मेरी माहे सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। रोज़ असी पढ़ते हाँ हर रास मेरी मनवण जारा, सतगुर ते रास जानी। भाई ये हरी दी रास पूंजी गुरु कोलों मिलदी। हर रास मेरी मनवण जारा, हर रात मेरी मनवण जारा, सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी। ए तन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा, कह नानक हर रास मेरी मन होवा वणजारा। तो गुरु अर्जुन देव पातशाह जी ने इस पावन शब्द द्वारा सानू कितनी सरल, कितनी सुखैन, कितनी दिल टुंबमी प्रेरणा कीती है। आख्या आओ होर धन इकट्ठा कर दो, उस धन नूं कई तरह के खतरे चंबड़े हुए ने, पर जे तुसी हरी दा नाम रूपी धन इकट्ठा करोगे इनू कोई खतरा नहीं। ऐसा हर धन संची है भाई, पा न जल है जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई राव, कर कृपा हर प्रगटी आया, मिल सतगुर तन पूरा पाया। इस तन प्राप्त करन लई गुरु की संगत करनी, गुरु दे दसे राह ते चल। ते गुरु पातशाह गरंटी देंदे ने तोट न आवे न खुट न जाए, खाए खर्च मन रहा अगाए। सो सच शाह जिस घर हर तन संचाना, इस तन ते सब जग वरसाना। जितना मर्जी वंड लो इस तन नूं वंडिया कदे कमी नहीं आवे। इस तन नूं ज्यों ज्यों वंडी जाओगे वधी जाएगा। दुनिया दे धन वंडोगे पैसे वंडोगे कट जाएगा, पैसे एक तो दो हिस्सों में वंडो कट जाएंगे,
जमीन एक तो दो हिस्सों में वंडो कट जाएगी, पर यह धन ऐसा है तोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रहा अघाए। सो सच शाह जिस कर हर तन संचाणा, इस तन ते सब जग वरसाणा। तिन हर तन पाया जिस पुरब लिखे का लैणा, जन नानक अंतवार नाम गैणा। तो गुरु दी इस प्रेरणा नू, गुरु जी दी दित्ती हुई सिख्या नू सुन के मनीए। ते मनन दा तरीका एहो ही है कि अमृत वेले उठो। भाई गुरदास जी ने बड़ी कृपा की थी, मैं उन्हां दी वारां पढ़दा हाँ, कवित सवैये विचारदा हाँ। वो कहिंदे ने गुरसिख उहो ही हो सकदा जिहड़ा गुरसिख पलके उठ कर अमृत वेले सरना वंदा, गुर के बचने उचार के धर्म साल दी सुरत करंदा। साध संगत विच जाए के गुरबाणी दे प्रीत सुनंदा, किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आण वरतंदा। गुरसिखा नू दे के पिछों बचया आप खवंदा, शंका मनो मिटाए के गुरसिखां दी सेव करंदा, गुरमुख गाडी राह चलंदा। आओ गुरु के सिखो, एवें पटको ना, छपड़ियां विच हाथ ना मारो, पूरे गुरु दी सिख्या नू सुन के मनो ते अपना जीवन सफल करो। ये अंतवार दा गहना है। अखीरले समय जदों कुछ भी साढ़े कोल नहीं होवेगा, ये परमात्मा दा नाम साड़ी सहायता करेगा। रोज पढ़ते जरूर हाँ, जे मार के गने जाए न कोसा, हर का नाम हुआ संग तोसा। जे पेंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहाँ पंथ तेरा को न समझानू, हर का नाम ते नाल पछान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।